violence, violence, violence. I don't like it. I avoid what violence likes me. ये डायलॉग ये बता देता है कि ये किसी मारधाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म का संवाद हो सकता है। ये डायलॉग है KGF 2 का और ये फिल्म कई सितारों और अपने एक्शन की वजह से चर्चा में रहती है और इसके साथ ही सुर्खियों में आ जाते हैं एक्टर यश। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की, वही यश जिनकी KGF फिल्म देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। तारीख 8 जनवरी साल 1986 कर्नाटक का जिला हासन, उसी जिले का एक छोटा सा गांव भुवनहल्ली, जहां पुष्पलता और अरुण कुमार गौड़ा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नवीन कुमार गौड़ा और जो आगे चलकर रॉकिंग स्टार यश कहलाया। उस समय यश के पिता कर्नाटक रोडवेज में बस के ड्राइवर थे। एक दिन यश से स्कूल में पूछा गया, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यश के दोस्तों के अलग अलग जवाब थे, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, पर यश का जवाब एक ही था, मैं एक्टर बनूंगा। उस समय शायद सब हंसी टोली में उसकी बात निकाल दे रहे थे, पर यहाँ स्कूल पास करने का वक्त आ गया और कमबख्त एक्टिंग का बुखार सिर से ना उतरे। घर वालों को दिल की बात बताई, सामने से सवाल आया, अगर एक्टर नहीं बन सके तो आगे क्या करोगे? यश के पास कोई जवाब नहीं, बस एक ही जिद। ऐसे में घर वाले भी खिलाफ हो गए। घर वाले नहीं माने तो यश अपना घर छोड़कर बेंगलुरु निकल गए और वो भी खाली जेब। दोस्त रिश्तेदार जिससे जितनी मदद मिल सकती थी उतने ली। ये भी जानते थे कि सिर्फ पैशन से काम नहीं चलेगा। यश ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में आए सीरियल उत्तरायण से की, पर यहाँ इनका काम ज़्यादा नोटिस में नहीं आया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इसके बाद सीरियल नंद को कुला, यहाँ इनकी को स्टार थी राधिका पंडित और ये शो हिट साबित हुआ। एक इंटरव्यू में यश ने बताया कि वे घर से भागकर हीरो बनने बेंगलुरु पहुंचे थे, लेकिन वहां कदम रखते ही वे घबरा गए। उनकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन वापस जाने का ख्याल कुछ ऐसा था कि अगर लौट गए तो फिर घर वाले वापस नहीं भेजेंगे। यश ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर की शुरुआत 2008 में बनी कन्नड़ फिल्म मोगिना मनासू से की। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद वह राजधानी गजकेसरी, मास्टरपीस जैसी फिल्मों से लोकप्रिय होते चले गए। अगर निजी जीवन की बात करें तो उनकी शादी अभिनेत्री राधिका पंडित से हुई। राधिका और यश ने कई इंटरव्यू में ये बताया कि कई साल की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी की, क्योंकि उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दंपत्ति के दो बच्चे भी हैं। वहीं बॉलीवुड में यश नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वो बेहतरीन अभिनेता मानते हैं। वहीं शाहरुख खान को वह अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और अमिताभ बच्चन को यश ट्रू जेंटलमैन बताते हैं। यश अपने पुराने इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि दर्शक शायद उन्हें इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उनकी यात्रा गांव से आकर हीरो बनने की यात्रा है और ये बात दर्शकों को प्रेरित करती है।